राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा के लिए दो गंगा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 27 जनवरी को एक रथ बिजनौर से और दूसरा रथ बलिया से रवाना होगा। इसके बाद 31 जनवरी को दोनों रथ कानपुर पहुंचेंगे। बिजनौर और बलिया से आरंभ होने वाली दोनों ही यात्राओं का समागम कानपुर में 31 जनवरी को होगा। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि माँ गंगा तो हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम योगी की प्रेरणा से गंगा यात्रा के रथों को उनके गंतव्यों तक भेजने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माँ गंगा के किनारे की 1038 ग्राम पंचायतों और 21 नगर निकायों में खेती और बागवानी के कार्य ऑर्गेनिक रूप से किए जाने का निश्चय भी किया गया है। गौ आधारित खेती के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कानपुर में किया गया। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर सीसामऊ नाले में प्रतिदिन गिरता था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नमामि गंगे परियोजना में प्रदेश सरकार ने जो काम किया उसी का परिणाम है कि आज एक बूंद सीवर भी गंगा मैया में नहीं गिर रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पहली यात्रा बिजनौर के पास से कानपुर और दूसरी यात्रा जहां से गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इमरान के साथ रजनीश छवि, जनमत न्यूज़, लखनऊ।